अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ जिसे स्वर्ण आभूषणों का केंद्र माना जाता है, पूरे उत्तरी भारत के अलग अलग राज्यों से मेरठ में ज्वेलर्स व्यापार करने आते हैं। उन्हें ज्वेलर्स को अभी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मेरठ में जहां 20 कैरेट स्वर्ण आभूषणों की मांग ज्यादा है, वहीं इसके हॉलमार्किंग की स्वीकृति को स्थगित कर दिया गया है। इसी विषय पर आज बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें 20 कैरेट के आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के सूची में शामिल करने की बात को कही। बता दें, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सोने की आभूषणों और सभी आर्टिकल्स पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया था। केंद्र सरकार की इस नोटिफिकेशन के अनुसार एक साल बाद सिर्फ स्वीकृति श्रेणी के हॉलमार्किंग आभूषणों को ही बनाए वे बेचे जाएंगे। इसे लेते हुए ही बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह किया कि वह 20 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग सूची में जल्द से जल्द शामिल करें। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट।